जय हिंद फ्रेंड्स। तो हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के सामने और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हमारा डे फोर का पार्ट नंबर सेकंड। दैट मींस कि हमारा डे थ्री, डे टू, डे फर्स्ट और इस डे फोर का पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो प्लीज जाकर के उसको देख लेना। उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम 100% गारंटीड वाले क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जाकर के जरूर से देखना। और आज से ये हमारा जो है ये हमारा है पार्ट नंबर सेकेंड, किस चीज का? डे फोर का। ठीक है, तो अगर आज आप इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हो, यानी डे फोर के पार्ट नंबर सेकंड को ही पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज जाकर के हमारी जो प्रीवियस वीडियो है डे फर्स्ट, डे थ्री, डे टू और डे फर्स्ट की, मतलब कि आप उसको जाकर के जरूर से देख लेना, क्योंकि उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम 100% गारंटीड वाले क्वेश्चन बताए हुए हैं। और इस सीरीज की हमारी पूरी गारंटी है कि अगर आप ये जो हमारी पूरी सीरीज है इसको इसके क्वेश्चन को ही आप प्रिपेयर कर लेते हो, सो दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पर 100% गारंटी है कि आपके क्वेश्चन इन्हीं में से कवर अप होंगे। ठीक है, इन्हीं में से कवर अप होंगे। और किस किस चीज के लिए? यूपीपीसीएस हो या फिर आपका यूपीआरवीएन रिक्रूटमेंट 2022 हो, इन दोनों के लिए हम लोग यहां पर प्रिपेयर करवा रहे हैं। और आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर सेक्शन की फुल प्रिपरेशन कराता हूं, कंप्यूटर सेक्शन की फुल प्रिपरेशन कराता हूं। कंप्यूटर सेक्शन का जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आदर इट इज यूपीपीसीएल और यू कैन से यूपीआरवीएन रिक्रूटमेंट 2022, इट इज एनी वन ऑफ द पेपर, बट हमारी गारंटी यह है कि आपके क्वेश्चन यहीं से ही कवर अप होने वाले हैं। ठीक है, यहीं से ही कवर अप होंगे, यानी कि आपके 100% क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन के जितने भी हमारी ये सीरीज है पूरी की पूरी, डे फर्स्ट हो गया हमारा, डे थ्री, डे टू, डे वन और जिसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं, इसके जो आगे पार्ट्स आने वाले हैं, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा किस चीज का? कंप्यूटर सेक्शन का। ठीक है, इस चीज का कंप्यूटर सेक्शन का। तो बिना टाइम गवाए हुए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देन वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पुराने बच्चे जानते हैं मैं अपने लास्ट में या कहीं पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि लास्ट पर ही हो सकता है, शुरू पर भी हो सकता है, मिडिल पर भी। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अब ये आपका इंटरेस्ट है कि आप कितनी देर देख रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले ये चीज जान लेना कि आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है ये पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, डे फोर का सेकंड पार्ट। डे फोर में मैंने आपको HTML और मल्टीमीडिया का बताया हुआ था और ये चीज जो हमारी थी वो हमारी फर्स्ट थी। और आज हम लोग बताने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे HTML और मल्टीमीडिया का ही डे नंबर सेकंड। ठीक है, यानी सेकंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो उसके आगे के क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। ठीक है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसी तरह वीडियोस को और आगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में देखते जाएंगे। और HTML और मल्टीमीडिया का टॉपिक है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जावा की वीडियो लाने वाला हूं। किसकी वीडियो? जावा की वीडियो आने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो आपकी नेक्स्ट जावा वाली वीडियो आ रही है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो प्लीज उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर करते हुए चलो और इसको भी देखो। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको नोट डाउन करो, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि भाई सारे क्वेश्चन नोट डाउन करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। यानी कि क्या बोला कि हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्स लिस्ट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं है, आगे भी है क्वेश्चन, उसको पढ़ो। अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम्स एंड नंबर्स। यानी कि हमसे ये कह रहा है कि हमें एक लिस्ट बनानी है, वो कि वो क्या होगा कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। किस पे बनाएंगे भाई लोग? हम लोग HTML पर बनाएंगे। HTML में ऑर्डर की गई सूची, संख्याओं में सूची, आइटम वाली सूची कैसे बनाए? अगर हमें एक लिस्ट बनानी है पूरी की पूरी, और वो भी नंबर्स के थ्रू, दैट मींस कि हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट नंबर, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, ऐसे करके हमें लिस्ट बनानी है पूरी। तो उसके बाद हमें जो लिस्ट बनानी है, ये इस लिस्ट पर हमें HTML पर बनानी है इस लिस्ट को। ठीक है, किस पर बनानी है हमें? HTML बनानी है। तो अगर हमें HTML पर बनानी है तो फिर वहां पर हमें किस टैग का यूज करना होगा? ठीक है, किस टैग का हमें यूज करना है? ऑप्शन ए यू एल, ऑप्शन बी ओ एल, ऑप्शन सी आई या फिर ऑप्शन डी आई एल। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, किस चीज का हम लोग यूज करेंगे, कौन सा टैग का? सो दैट मींस ऑप्शन बी ओ एल। ठीक है, अब देखो ओ एल का मतलब, देखो मैं बोलता हूँ यार फुल फॉर्म की नॉलेज एकदम भरपूर रखो, बहुत क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म से। पिछले पार्ट में भी मैंने आपको दिखाया था, दो तीन क्वेश्चन आपके फंसे हुए थे फुल फॉर्म से, और इस पर भी देखो मैं फुल फॉर्म का पहला ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। दैट मीन्स फुल फॉर्म भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना इस चीज को। देखो ओ एल लिखा हुआ है, ओ एल का मतलब यहाँ पर क्या होता है पता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या मतलब होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या मतलब होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। ओ एल का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर्ड लिस्ट। देखो फुल फॉर्म पता है तो हमने कर लिया, अगर नहीं भी पता होता तो भाई ना कर पाते, या तो हम HTML की प्रोग्रामिंग कर रहे होते बैठ के। अब मान लो हम लोगों ने नहीं किया,
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें फुल फॉर्म पता होता तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता कि नहीं पता चल जाता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या हो गया, यहाँ पर देखो दिमाग में बैठा लेना, OL का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस टाइप का यूज करने वाले हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट का ही यूज हम लोग करने वाले हैं। अब देखो ये तो बात हो गई हमारे ऑर्डर लिस्ट की, हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर लिस्ट पूछा था, चलो ठीक है भैया ऑर्डर लिस्ट की बात हो गई। अब किसी ने बोला इस कमेंट सेक्शन पर कि सर जी ये भी बता देते कि अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या होता है, मान लो हमसे ऑर्डर की जगह अनऑर्डर लिस्ट पूछ लिया होता। तो यहां पर अब मैं बता देता हूं अनऑर्डर लिस्ट का टैग, अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो होता है ये, यानी कि UL, दैट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग कौन सा होता है, UL होता है। अगर हमसे पूछता है कि भाई HTML पर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बता दो तो हम OL बताएंगे, HTML पर हमसे पूछता है कि भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बता दो तो हम क्या बता देंगे, UL बता देंगे, ठीक है। चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच टैग इज द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, HTML टैग का ही मैंने अपने पिछले वीडियो में हमारा पिछले वीडियो का जो मेरा मतलब कि डे फोर का जो फर्स्ट पार्ट था, इसका लास्ट का सेकंड या थर्ड कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बताया हुआ था, वो सीक्वेंस का ही क्वेश्चन था बेसिकली। तो हमने उसको उसमें आपको पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बताया था, यही यही चार ऑप्शन थे, ठीक है, यही चार ऑप्शन थे। और इन्हीं चार ऑप्शन को कैसे सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं जिससे कि हमारी प्रोग्रामिंग जो होती है पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग कहलाती है, तो उस प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए कौन सा टैग बेसिकली यूज होता है, ठीक है। मतलब पूरी ऊपर से नीचे तक की जो प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें मतलब एकदम सीक्वेंस वाला टैग जो होता है वो मैंने बताया हुआ है उसमें, तो जाकर के उसको जरूर से देख लेना, उसमें आपको प्रोग्रामिंग के बारे में फुल नॉलेज होने वाली है, ठीक है। मतलब टैग्स हम लोग किस तरह यूज करते हैं, ऊपर से नीचे तक कौन सा सीक्वेंस हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो चीज आपको मिल जाएगी उस पर। तो फिलहाल अभी इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए है बॉडी टैग, ऑप्शन बी है हेड टैग, ऑप्शन सी है एचटीएमएल टैग और ऑप्शन डी है टाइटल टैग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा टैग हम लोग यूज करते हैं HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है, कौन सा टैग हम लोग यूज करते हैं HTML टैग HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और उसमें भी फर्स्ट टैग। फर्स्ट टैग क्या होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का, हमारा भाई HTML टैग मतलब HTML डॉक्यूमेंट इतना बड़ा सा है, हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है ढेर सारी, ऐसे 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 प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो हमसे ये पूछ रहा है भाई कि हमारा जो फर्स्ट टैग होगा वो कौन सा टैग होगा, फर्स्ट टैग हमारा कौन सा टैग होगा। तो यार एकदम ये एकदम इसे बोलते ना एकदम बाण है ये कि भाई हमारा कभी भी HTML का जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका फर्स्ट टैग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट टैग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी, दैट इज HTML टैग। हम कभी भी कोई भी कैसा भी HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट टैग क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट, यानी HTML डॉक्यूमेंट में हमारा जो फर्स्ट टैग होगा वो क्या हो जाएगा, HTML टैग। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में हमारा फर्स्ट टैग क्या होगा, HTML टैग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेजेस इनटू योर वेब पेज। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन कहां का है ये चीज समझना जरूरी है, ये चीज समझना जरूरी है। तो ये आपका क्वेश्चन कहां का है, HTML का या फिर आपके मल्टीमीडिया का, तो इस चीज को आप लोग कमेंट सेक्शन पर करके बताओ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा हूं आपसे कि ये क्वेश्चन किधर से बिलोंग करता है, HTML से, HTML से या फिर मल्टीमीडिया से, कहां से ये बिलोंग करता है, किस टॉपिक से है ये क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक, इन्हीं दोनों टॉपिक के सारे क्वेश्चन है आपके। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इस वक्त थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बिलोंग करता है, HTML या मल्टीमीडिया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कौन सा टैग आप लोग यूज करते हैं आपके वेब पेज में इमेज डालने के लिए, किस टैग का उपयोग किया जाता है अगर हमें हमारा वेब पेज और उस पर हमें क्या डालनी है, इमेज। अब इमेज वो किसी भी तरह की हो सकती है, कोई ऐड कुछ भी जो भी हमारा है, तो उसमें हम लोग किस तरह की इमेज किसी भी तरह की अगर हम लोग इमेज डालना हमको तो कौन सा टैग का हम लोग यूज करेंगे, ऑप्शन ए SCR, ऑप्शन बी IMG, ऑप्शन सी INSMG या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा टैग हम लोग यूज करेंगे, कौन सा टैग हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी IMG। क्वेश्चन थ्री का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी IMG। IMG टैग का हम लोग यूज करते हैं किसको इंसर्ट कराने के लिए, इमेज को इंसर्ट कराने के लिए। अब देखना यहाँ पर इमेज मतलब अगर आप लोग को पता हो कंप्यूटर में जो इमेज होती है इसको शॉर्ट फॉर्म लोग बोलते हैं IMG ही, ठीक है, IMG ही इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि भाई देखो इमेज को हमको इंसर्ट कराना है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IMG, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज नॉट टू बी फाउंड इन द हेड सेक्शन।
कौन सा ऐसा टैग है जो कि हेड टैग के सेक्शन पर नहीं मिलता, निम्न में से कौन सा टैग हेड टैग के सेक्शन पे नहीं मिलता। ऑप्शन ए मेटा टैग्स, ऑप्शन बी टेबल टैग, ऑप्शन सी टाइटल टैग, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं मिलता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग हम लोग किस टैग के उसमें नहीं मिलेगा, हमको हेड टैग में नहीं मिलेगा। ठीक है, हेड टैग के सेक्शन में मतलब हमको ये चीज नहीं मिलने वाली है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज, यानी कि अगर हमें किसी भी इमेज को इंसर्ट करानी है तो हमारा एक एचटीएमएल कोड क्या होगा, इमेज डालने के लिए सही एचटीएमएल कोड क्या है। किसी भी डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल हमारा डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट पर अगर हमें इमेज डालनी है तो भाई हम वहां पर कौन सा टैग यूज करेंगे, कौन सा टैग हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए IMGHREF इज इक्वल टू डबल स्टोलन IMG.gif/, ऑप्शन बी IMG का टैग होगा सिर्फ IMG.gif, फिर टैग क्लोज हो रहा है IMG का, ऑप्शन सी IMGSRC इज इक्वल टू हमारा डबल स्टोलन और डबल कोलन और फिर IMG.gif और फिर डबल कोलन क्लोज। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से टैग का हम लोग यूज करते हैं फॉर इंसर्टिंग एन इमेज, याद रखना भाई अगर हमें किसी भी इमेज को इंसर्ट करानी है तो वहां पर हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फॉर्मेट यूजुअली वर्क्स बेस्ट फॉर फोटोज, यानी तस्वीरों के लिए आमतौर पर कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा काम करता है, यानी कि अगर हमें HTML में मतलब HTML नहीं या फिर किसी प्रोग्राम की बात करते हैं तो अगर हमें फोटोज को यूज करना है तो कौन सा फॉर्मेट। देखो ये मल्टीमीडिया क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ये मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीमीडिया का ये क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमसे कि अगर हमें फोटोज को यूज करना है कहीं पर भी किसी भी तरह से तो वहां पर हमारा कौन सा बेस्ट फॉर्मेट कहलाता है फोटोज का। ठीक है, कौन सा बेस्ट फॉर्मेट होता है फोटो का, ऑप्शन ए GIF, ऑप्शन बी JPG, ऑप्शन सी HTML या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा बेस्ट फॉर्मेट होता है, वो बेस्ट फॉर्मेट होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज JPG। अब यहां पर बहुत ध्यान से एक बात सुनना, JPG यहां मतलब क्वेश्चन पर जरूरी नहीं है भाई कि JPG दिया हो, होता बेस्ट यही है बट हो सकता है JPG की तरह मतलब JPG की जगह आपको JPEG दे दे। ठीक है, आपको क्या दे दे, JPEG आपको दे दे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, आदर इट इज JPG और इट इज JPEG। और अब दूसरी बात आ जाती है कि सर मान लेते हैं ये दोनों ऑप्शन दे दिया हमको, JPG भी दे दिया और JPEG भी दे दिया, तो भाई लोग एक चीज याद रखना, जब दो सेम चीज का ऑप्शन दे देता है ना हल्का सा अलग करके, मतलब जो मतलब दोनों वैलिड जो हो और हो सकता है एक पुराना हो एक नया हो, तो हम लोग किस पर टिक करते हैं, ऑब्वियस हम लोग किस पर टिक करेंगे जो लेटेस्ट होगा। तो अगर वहां पर JPG और JPEG दोनों देता है तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, JPEG पे टिक करेंगे। अब देखो यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को और इससे अवगत करा दूं कि भाई जो हमारा JPG होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्राफिक। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है इसका करेक्ट फुल फॉर्म JPEG का, और वहीं पर जो हमारा JPEG होता है इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेवन क्वेश्चन की तरफ। ऑल द HTML टैग्स आर इन, यानी सभी HTML टैग इसमें है, जो हमारा HTML टैग होता है तो जितने हमारे सारे जो HTML टैग होते हैं वो किसमें मिलते हैं। ठीक है, किसमें मिलते हैं, ऑप्शन ए इन अपर केस, ऑप्शन बी इन लोअर केस, ऑप्शन सी इन नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है मतलब नॉट केस सेंसिटिव, ऑप्शन डी केस सेंसिटिव। अब देखो यहां पर पहले तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर मतलब किसमें होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं हमारे सारे के सारे सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे किस फॉर्म में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज नॉट केस सेंसिटिव में होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई नॉट केस सेंसिटिव क्या होता है। ठीक है, देखो एक चीज आप लोगों को पता होगी, अपर केस और लोअर केस। अपर केस क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को कैपिटल, सॉरी ये डबल पी नहीं होगा, कैपिटल होता है। ठीक है, अगर हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो वहां पर वो क्या कहलाता है, हमारा अपर केस, और वहीं पर अगर हम लोग स्मॉल लेटर पर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा लोअर केस कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई, अपर केस क्या हो गया, कैपिटल केस हमारा हो गया, और लोअर केस क्या हो गया, स्मॉल केस हो गया। अब नॉट केस सेंसिटिव को बताने की जगह मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं केस सेंसिटिव। ठीक है, मैं आप लोग क्या बताने जा रहा हूं, केस सेंसिटिव, क्योंकि अगर आप केस सेंसिटिव समझ लेगा तो नॉट केस सेंसिटिव तो भाई कुछ है ही नहीं। तो देखो फिलहाल केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव यह होता है कि अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं,
किसी भी तरह का फॉर्मेट करा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर केस सेंसिटिव ये होता है कि हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, वो वहां की वर्किंग पर इफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट करता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव बोलते हैं। और वहीं पर हम लोग कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या ऐसा हम लोग HTML टैग यूज कर रहे हैं, HTML टैग मतलब HTML हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, HTML के चाहे एदर इट इज अपर केस और इट इज लोअर केस, डजंट मैटर, इट डजंट अफेक्ट टू एनीथिंग, ठीक है, ये कोई इफेक्ट नहीं करता है कि आप लोअर केस पर लिखो अपर केस पर लिखो, बस आप जो लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, बस व्हाट मैटर इज कि एनीथिंग यू आर राइटिंग इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज नॉट केस सेंसिटिव। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब कि हम इसको अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे चाहे हम इसको वैसे लिख सकते हैं, हमारा अपर केस लोअर केस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाला है, किस पर, हमारी HTML की प्रोग्रामिंग पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और भाई लोग देख लो 100% का टैग लगा हुआ है, 100% का ठप्पा पहले लगा दिया हूं, ठीक है, तो इसी वजह से ध्यान से समझना क्वेश्चन को। विच टैग टेल्स वेयर अ लिंक स्टार्ट, कौन सा टैग बताता है कि लिंक कहां से शुरू होता है, भाई कौन सा टैग है जो कि बताएगा कि हमारा जो लिंक है, हमारा कोई भी व्हाट्सएप जो लिंक है या कोई भी हमारा लिंक है वो कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, कौन सा टैग बताता है, ऑप्शन ए आई टैग, ऑप्शन बी ए टैग, ऑप्शन सी बॉडी टैग, या फिर ऑप्शन डी डन ऑफ द अबव, भाई कौन सा टैग होता है, वो कौन सा टैग होगा, दैट इज ऑप्शन बी ए टैग, ठीक है, ए टैग होता है हमारा, ये बताता है। और ए टैग का भाई मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ए टैग हम लोग बोलते हैं क्या है इसको, बेसिकली हम लोग बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंकर टैग बोलते हैं, और यूजुअली हम लोग जनरल लैंग्वेज में ए टैग बोल देते हैं, जैसे बॉडी टैग हो गया हमारा इस तरह करके, ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कौन बताता है कि कहां से लिंक स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो कौन बताएगा, हमारा एंकर टैग, दैट इज ए, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही, ये क्वेश्चन कंफर्म है 100% का टैग, देखो पहले ही लगा दिया था मैं इसीलिए। चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, भाई वीडियो को पहली बार देख रहा हूं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, प्रीवियस इतने पार्ट है उसको जरूर से कर देना, देख लेना, प्रिपेयर कर लेना, फुल फॉर्म्स प्रिपेयर करके रखो, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।